गाइस, सुबह सुबह चेहरे की हालत कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत जल्दी था ईशान के लिए भी। देखिए ऐसे हमारी लास्ट ईयर भी हुई थी, तो हम होली में ले गए थे बाल बोलने के लिए। मुझे ना गाइस आईज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सनी गुड मॉर्निंग, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। गाइस हम लोग भी अच्छे हैं, और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से। आइए इधर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये देखिए मैंने सुबह सुबह बना दी है पनीर की सब्जी, मटर पनीर बनाया हुआ है। और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, गैस वैस साफ कर देती हूँ, इसके बाद में अभी आज बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर हो रही है किचन साफ, ये देखिए पूरी गैस वैस साफ हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर बर्तन है, ये मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हैं, मैंने कुछ बर्तन तो साफ कर दिए थे, बस यही थोड़े से बचे हुए हैं बर्तन। सार्थक आपको क्या करना है काम? मुझे पढ़ाई करनी है अभी। पढ़ाई करनी है? गाइस आजकल सार्थक की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो मैं तो सार्थक पूरा इंजॉय कर रहे हैं घर में। और मैं बर्तन धो लेती हूँ गाइस, अभी मुझे चलना है ऊपर छत में गेहूं धोने। देखिए गाइस सुबह सुबह चेहरे की हालत कैसी हो रही है, सुबह से लगी हूँ मैंने बनाने खाना बनाने का, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ गाइस, क्योंकि बहुत जल्दी था ईशान के लिए भी और इसके पापा के लिए भी। थोड़े से बर्तन बचे, इनको साफ कर लेती हूँ और चलते हैं। तो गाइस बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए गाइस इस तरह ब्लॉग हमने शूट नहीं किया घर के कामों से, क्योंकि थोड़ा सा वैसे रहे हैं बिजी बिजी इस चक्कर में। हे गाइस मेरे बर्तन तो हो गए साफ, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब चलती हूँ ऊपर छत में, अभी चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सिंक हो चुकी है पूरी खाली, और बर्तन धुल चुके हैं मम्मी के, फिनिश हो गए हैं सारे बर्तन। और अभी चलना है ऊपर, मम्मी को करने हैं गेहूं वॉश, तो चलो अभी चलते हैं ऊपर। सार्थक इसको ले चलना ऊपर, मैं थोड़ा सा और सामान लेकर चलूंगी। ओके तो गाइस अभी आपसे ऊपर मिलते हैं। ये वाली बास्केट भी ले चलनी है, इसको भी ले लो। लो पकड़ लिया। और बाकी सामान आप ले आओगे? हाँ बाकी का मैं लेकर आती हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं छत में, इसमें मैं गेहूं लाई हूँ। गैस तो ये देखिए ये है यहाँ पर टब में गेहूं, और ये यहाँ पर पानी स्टार्ट कर दिया है। और जब भी गेहूं धोने होते हैं मैं ऐसे यहाँ पर छत पे धोती हूँ गैस। और यहाँ पर कितने अच्छे खिले हुए हैं, ये देखिए रोज खिले हैं, 4 1 2 3 4 कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ गैस फिर यहाँ पर धूप रहती है, तो यहाँ पर हम सुखा भी देते हैं अपने गेहूं को। सार्थक हाँ ये इसको प्लॉट में फेंक दो गाइज, मैं और इससे पहले जब कभी गेहूं धोती हूँ ना तो मैं इस टब में डाल देती थी। देखना साथ दिखाना इधर से कितने अच्छे गेहूं हो गए, ये मैं इसी में डालती हूँ गेहूं के, देखे कितने अच्छे बाल ये देखिए। ऐसे हमारी लास्ट ईयर भी हुई थी, तो गाइज उसको हम होली में ले गए थे बाल बोलने के लिए, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर हर साल गेहूँ की बाल तैयार हो जाती है गाइज। और मैं ये गेहूँ धो रही हूँ गैस, तो ये देखें यहाँ पर गेहूँ हमारे वॉश हो चुके हैं। लो सार्थक इन्हें डाल के आऊँ, ठीक है यही पर डाल। हाँ यही पर डाल दो, ऐसे तेजी से मत डालो गैस। ये देखे ये पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, बस अभी ऐसे रहने दो, बाद नहीं बाद में सुखाएंगे। आ जाओ इनको भी ले जाओ, ये दूसरे वाले ये रखे हैं इतने। ये देखिए गाइस यहाँ पर अभी हमने गेहूँ डाल दिए हैं, और अभी फैलाने स्टार्ट कर दिए हैं जिससे फटाफट से सूख जाए। गाइस हमारी छत में शाम तक धूप रहती है ना, तो ये शायद एक दिन में ही सूख जाएंगे। ये देखिए मैं फैला देता हूँ, जब तक सूरज रहता है ना गाइस, जब तक ये यहाँ पर धूप रहती है हमारी छत में। और एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बतानी थी मुझे, कि अभी हम लोग जाएंगे, मुझे ना गाइस आईज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से अभी हमें जाना है आईज दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। हाँ आई डॉक्टर के पास। हाँ वैसे गाइस चश्मा तो मेरे पास बहुत पहले से
लगा हुआ है मेरे, शादी से पहले से ही लगा चश्मा, और मैंने ना कभी लगाया नहीं, चश्मे का यूज नहीं करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं दिखाने लगी हूँ, प्रॉब्लम मेन क्या है गाइस, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मेन प्रॉब्लम ये है कि हवा से भी आंसू आते हैं, और मतलब सर्दी है तो घर में भी आंसू आते हैं, ये चीज़ें इससे बहुत परेशान हूँ। तो अब ये काम निपटा दिया है, और अभी हम नहा धोकर हो रहे हैं रेडी, और रेडी होने के बाद आपसे मिलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम चश्मे की शॉप में, वहीं पर दिखाएंगे आइस का क्या निष्कर्ष निकलता है गाइस। तो चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। हाँ, हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं नहीं मतलब सभी हो गए हैं रेडी, और अभी चलते हैं, क्योंकि चलने के लिए मैंने आपको बताया था ना अभी ऊपर छत में कि अभी नहा धोकर रेडी होते हैं। तो देखिए कैसी लग रही हूँ, और चलते हैं, चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। आप तो रेडी होने के बाद तो ईशानी बिल्कुल रुकने को तैयार ही नहीं होती, कहीं भी जाना हो रुकती ही नहीं है, और बस निकलते हैं अभी। देखिए कैसे लग रहे हैं लोग हमारा, और सीधा क्लिनिक में ही चल के मिलते हैं, क्योंकि आईज में बहुत ही प्रॉब्लम है गाइज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब पहले तो बाहर आंसू आते थे निकलने में, घर से बाहर हवा लगती थी तो, और अब तो घर में ही आंसू आने लगे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भी दिखा के आते हैं। और तो चल गाइस चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूं क्लिनिक में, और दिखा रही हूं, ये भाई साहब हमारे जानने वाले हैं ना, तो इस वजह मैं बहुत रिलैक्स होकर ही आई दिखा पाऊंगी, और बात भी कर पाऊंगी, और थोड़ी मेरे ज़्यादा चप्पड़ चपाएंगी। चलते हैं तो टेस्ट कराने। सेकंड लाइन ई बी एल एच टी टी, उससे नीचे ली डी पी ओ है क्या है, चलो कोई बात नहीं, हो उस्ताद एन ई, इसमें बीच में लाइट लग रही है सर, इस वजह से मैं थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलो तो इसे लगाओ, क्लियरिटी प्लस रिलैक्सेशन महसूस करना। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे नंबर का नेचर ऐसा है। अब बताओ तीनों लाइन पढ़ गए, दिख रहा है मैंने बात कही है रिलैक्सेशन भी महसूस करना। हाँ। आपका नंबर जिस नेचर का है उसमें दिखना ही सब कुछ नहीं होता, उसमें रिलैक्सेशन भी है। बस ये मुझे थर्ड लाइन में ही प्रॉब्लम आ रही है। उसमें ये देखो कि जब मुझे बिल्कुल क्लियर दिखे, नहीं इससे धुंधला हो गया, इससे बिल्कुल धुंधला, कुछ ऐसे अंतर आता है नहीं, इससे तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, आप जरा देखो, नहीं ऊपर वाला भी बेकार हो गया, सबसे ऊपर वाला भी मैं इसे जैसे घुमा रहा हूँ, कुछ अंतर महसूस कर रहे हो? आया क्लियर हो गया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतनी जल्दी मत करो, जहाँ सबसे ज्यादा क्लियर हो वहाँ बताओ। अब ठीक है, हल्का सा और मूव करिए, जैसे थोड़ा सा, यही तो आपके नंबर का खेल है सारा। जहां सबसे ज्यादा क्लियर हो आप सही, ओ पी टी ई सी एच ई बी एल एच पी टी डी पी ओ ए एन, ठीक है, हाँ ये सही है इसमें, और इसमें बस मुझे ये भाई साहब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि पहले वाले चश्मे में और इसमें किस में ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हो, क्योंकि मेरी आई का नंबर तो बढ़ानी है इस वजह से। और दिखाते हैं ये जो हमारे मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खास जगह होती है ना, तो वहाँ हम बहुत रिलैक्स होकर बातचीत कर पाते हैं, वही आज मेरे साथ हुआ है, तो मैं पूरा कम्फर्ट हो के मैंने चेक कराई है और बात भी करी है, और फाइनली अब हम चश्मा सेलेक्ट करते हैं, दूसरा चश्मा भी एक बनवा लेते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं वहाँ से क्लिनिक से, और अब सार्थक मूली फाड़ लूँ क्या,
चलो है। तो गाइज अभी हम यहाँ पर आइस दिखवा कर आ चुके हैं और अभी मम्मी जा रही है मूली उखाड़ने के लिए। जो देखिए गाइज यहाँ पर अभी मम्मी यहाँ पर मूली ढूंढ रही है। टमाटर लगे जी गाइज, टमाटर है ये वाला भी गाइज, लहसुन है। और अभी हम लोग ये मूली है गाइज, ये देखो गाइज कितनी अच्छी ये देखो गाइस, काफी सारी मूलियां देखो ये दिख रही है। ये देखो, ये देखे अभी मम्मी यहाँ पर उखाड़ रही है गाइस। ये होता है मूली उखाड़ने और आधी जमीन में ही रह गई है। ये होता है मूली उखाड़ने का प्रोसेस जो कि अभी पूरा हो चुका है पर आधी जमीन के अंदर ही रह गई है। तो गाइज अभी हम अभी यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड करते हैं हम। तो गाइज आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।